ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि धर्म क्या है। हितोपदेश में एक श्लोक आती है, कहते आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहि न पशुभिर समानाम। कहता है क्या, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीजें पशुओं में और मनुष्यों में समान है। क्या क्या है? आहार हम भी खाते हैं, भोजन खाते हैं और पशु भी भोजन खाते हैं। आहार निद्रा, हम भी सोते हैं और पशु भी सोते हैं। भय, हमें भी भय होता है कल का आज का, पशुओं को भी भय होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, हम भी संग करते हैं और पशुएं भी संग करते हैं। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन च, ये चारों चीज पशुओं में और मनुष्यों में समानता है पाई गई है, लेकिन मनुष्यों का एक अलग धर्म है। वो क्या है, कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जो अधिक विशेषता मनुष्यों में दी गई है, मनुष्यों में एक विशेष क्वालिटी है, इसे कहा गया है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो मनुष्य जो है वो धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, ये मनुष्य कर सकते हैं, पशु इसकी जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समाना। अगर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अगर एक मनुष्य धर्म के बारे में जिज्ञासा नहीं करता है तो वो पशुओं के बराबर होता है। पशु भी नराणाम, नर और पशुओं में कोई भेद नहीं होता है। फिर इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम सिर्फ खाने सोने भय और मैथुन में लगे रहें तो हम केवल एक सोफिस्टिकेटेड, एक उच्च स्तर के पशु रहेंगे। अब धर्म क्या बताई गई है, धर्म किसको कहा गया, धर्म भागवतम बताती है। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, बट एक सुंदर श्लोक आती है भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के छठवें श्लोक में, कहते हैं सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजी अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धिति। जो हमारा स्वभाव है वो किसका है, खुश होने का, प्रसन्न होने का, और हम सब लोग चाहते हैं किसी न किसी कैसे प्रसन्न होए। हमारा हर व्यक्ति का एम होता है जीवन का, प्रसन्न रहना, खुश रहना हमेशा। ये कैसे बताते हैं कि सवे पुंसाम परो धर्मो, सारे धर्मों से ऊपर धर्म क्या है, ये तो भक्तिर अधोक्षज, भगवान अधोक्षज, अधोक्षज जो के जो कृष्ण है उनके भक्ति करना। अधोक्षज का मतलब होता है जो कि ट्रांसेंडेंटल हैं, जो दिव्य हैं, इन तीन गुणों से जो ऊपर हैं, तो अधोक्षजों की भक्ति करना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान अधोक्षजों की भक्ति करना। उसमें क्या होता है, कैसा भक्ति करना, अहेतु की, जिसमें कोई मोटिवेशन ना हो, कोई नीड ना हो उनसे पाने की, और अप्रतियता मतलब कभी बिना रोके हुए, बिना रुका हुआ, हमेशा निरंतर चलना चाहिए। अहेतु की अप्रतियता ययात्मा, ये जो आत्मा है हमारा सेल्फ है, क्या होगा, सुप्रसिद्धति, भगवान क्या होगा, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा, सुप्रसिद्ध मतलब सुप्रसन्न होगा हमेशा वो। तो हमें करना क्या चाहिए, सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजी। हमने देखा कि किस तरीके से पशुओं में और मनुष्यों में चार चीज़ें समान हैं, लेकिन मनुष्यों में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, जानने का प्रयास कर सकता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और भगवान से मेरा क्या संबंध है। और अगर वो न करें तो हम एक पशु के बराबर हमारा जीवन बीतेगा। और धर्म क्या बताया गया, सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, और भगवान अधोक्षजे के शरण जाकर के भगवान की भक्ति करना। इससे होगा क्या, हमारे आत्मा को पूरी तरीके से सुख और शांति मिलेगी। हरे कृष्णा।